शहर के अजमेर रोड स्थित मुंशी कॉलोनी में चल रही संगीतमय श्रीराम कथा के दौरान मंगलवार को सीता स्वयंवर प्रसंग का वृतांत सुनाते हुए संत केवलराम महाराज ने कहा कि राजा जनक के दरबार में भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था। एक दिन सीता ने घर की सफाई करते हुए उसे उठाकर दूसरी जगह रख दिया। यह देखकर राजा जनक को आश्चर्य हुआ क्योंकि धनुष किसी से उठता नहीं था और सीता ने उसे उठा लिया। यह देखकर राजा जनक ने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। उन्होंने स्वयंवर की तिथि निर्धारित कर सभी राजा महाराजा को विवाह के लिए निमंत्रण भेजा। वहां आए सभी लोगों ने एक एक कर धनुष को उठाने की कोशिश की लेकिन किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली। कोई धनुष को हिला भी नहीं सका। संत ने कहा कि चिंतित राजा जनक कहते हैं कि क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई? कोई वीर नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। इस पर लक्ष्मण को क्रोध आता है और कहते हैं कि यदि गुरु विश्वामित्र एवं भाई राम आदेश करें तो एक पल में ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ। इस दौरान गुरु विश्वामित्र लक्ष्मण को शांत रहने का आदेश देते हुए राम को धनुष भंग करने का आदेश देते हैं। गुरु आज्ञा से राम धनुष को प्रणाम करते हुए उठाते हैं और धनुष भंग हो जाता है। धनुष भंग होते ही सीता राम को वरमाला पहना देती है। स्वयंवर प्रसंग के दौरान माता सीता ने जैसे ही प्रभु राम को वरमाला डालती है वैसे ही देवतागण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस दौरान संत ने धनुष बड़ो विकराल रघुवर छोटो सो तथा आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया वचन सुनाया तो उपस्थित श्रोता नृत्य कर झूमने लगे। प्रसंग समापन के पश्चात व्यासपीठ की आरती उतारी और प्रसाद का वितरण किया गया। कथा के दौरान संपत्ति देवी यादव, किरण देवी चौहान, सीता देवी, दुर्गा देवी, मीना देवी, कांता देवी, रेखा शर्मा, रमेश चंद्र चौहान, मदन लाल यादव, मूलचंद वैष्णव, सोहनलाल शर्मा, सत्यनारायण विजय सिंह राठौड़, कन्हैयालाल शर्मा, गौरीशंकर यादव तथा सुनील कुमार शर्मा सहित अन्य क्षेत्रवासी उपस्थित थे।